विभाग से लगातार हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं, खबरें सामने आती हैं। लोगों को इलाज समय से नहीं मिल पा रहा है, इलाज में लापरवाही की जा रही, लेकिन जो तबादले हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर हो रहे हैं और इस पोस्टिंग ट्रांसफर को लेकर मंत्री अधिकारी के बीच टकराव भी देखने को मिल रहा है। इसी पर बात करेंगे, तबादले नहीं इलाज दो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ते डायरिया के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बीते दिन यहां डायरिया से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 50 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अलीगंज में मरीजों की मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जलकल की टीम ने मौके पर जाकर क्षेत्र का जायजा लिया। दरअसल बारिश आते ही बैक्टीरिया जनित बीमारियां सक्रिय हो जाती हैं, जैसे डायरिया, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां। वहीं लोक बंधु अस्पताल की बात की जाए तो यहां रोजाना 35 से 40 मरीज डायरिया के सामने आ रहे हैं। इसको लेकर हमने लोक बंधु चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ी है, लगभग डायरिया के 30 से 35 मरीज रोजाना हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं। अभी फिलहाल 7 से 8 मरीज डायरिया के भर्ती हैं। इसी दौरान अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि बारिश के मौसम में बैक्टीरिया जनित बीमारियों के मरीजों में इजाफा होता है, जिसके निपटने के लिए हम लोगों ने पहले से ही तैयारियां कर रखी हैं। इसके अलावा लोगों को चाहिए कि वो कहीं भी किसी तरह का जल भराव ना होने दें, बासी खाना खाने से बचें, कटे व खुले में रखे हुए फल ना खाएं, साफ पानी का प्रयोग करें, जहां तक हो पानी को उबाल कर पिएं। भले ही डॉक्टर डायरिया से बचने की सलाह दे रहे हो, लेकिन डायरिया से हो रही मौत एक सवाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारी की पोल खोल रहा है। इस पर क्या कुछ कहना, आपको सुना देते हैं। कुछ थोड़ा सा संख्या बढ़ गया है डायरिया वाले, पेट खराब होने का, ये सब लगभग जो बच्चे आ रहे हैं 30-35 बच्चे हमारे यहाँ ओपीडी में आ रहे हैं, और 7 से 8 बच्चे इस समय इंडोर में भर्ती भी हैं जो डायरिया के शिकार हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो डायरिया होता है, लूज मोशन आना, उल्टी होना, इसका निश्चित कारण यह है कि कुछ गंदे, जैसे गंदगी का रहना, साफ सफाई न रखना, खुले में फल बिकना और खुले का फल का सेवन करना, और सीवर लाइन के जो पानी है, पानी का सबसे कारण, प्रमुख कारण पानी होता है, जो खराब पानी है, तो पानी को उबाल करके पिए अगर लोग, सब लोग, और साफ सफाई रखें, बाजार की चीज़ें कटे फटे वाले फल न खाएं, तो निश्चित रूप से डायरिया से हम बचाव कर सकते हैं। सर, लोग बंधु हॉस्पिटल में अभी तक कुछ लोग डायरिया से पीड़ित हैं जो एडमिट हैं, या कुछ कैजुअल्टी नहीं, सब ठीक ठाक हैं, और 7 से 8 मरीज अभी हमारे यहाँ भर्ती हैं जो कि ठीक अवस्था में है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लखनऊ में बीते दिनों डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका साफ तौर से कहना था, जो डायरिया से जो मौत हुई है उसमें शासन प्रशासन कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। बारिश शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बैक्टीरिया जनित बीमारी है उनसे बचाव के लिए एक अभियान चला रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डायरिया है उसके केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और लखनऊ में जो 2 लोगों की मौत हुई है उससे भी सरकार की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। वहीं लगातार जो डायरिया के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उसके लिए एक चिंता का प्रश्न बना हुआ है। इसको लेकर राजधानी लखनऊ के लोकबंधु हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक से बात की तो उन्होंने बताया कि इस समय लगातार जो डायरिया के मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन अभी तक लोकबंधु हॉस्पिटल में जो मरीज 35 से 40 मरीज पर डे जो डायरिया के आ रहे हैं उनमें कोई भी गंभीर हालत में नहीं है, लगभग सभी नॉर्मल हैं, और 5 से 7 मरीज अभी यहाँ पर भर्ती हैं जिनकी देखरेख की जा रही है, और जो भी कंडीशन होगी उससे निपटने के लिए पूरी तरह से हॉस्पिटल हमारा तैयार है। पवन तिवारी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो मौसम में बदलाव होते ही डायरिया, मलेरिया, डेंगू, खासकर जब बारिश का मौसम आता है तो ऐसे मामलों में इजाफा होता है। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। तो हालांकि डॉक्टर कई सारे उपाय बताते हैं कि आपको अपने सावधानी रखनी है, और पानी जो है
पानी विशेषकर बारिश के मौसम में आपको साफ पीना चाहिए, आसपास साफ सफाई रखें, इसी को लेकर हम बात करेंगे। और जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो कितनी बेहतर हों, लोगों को समय से स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इस दिशा में सरकार क्या काम कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे वहां का हाल जानेंगे। हमारे साथ फिलहाल चिकित्सा अधीक्षक जुड़ गए हैं लोक बंधु हॉस्पिटल से, अजय शंकर त्रिपाठी जी। सर स्वागत है आपका। अजय शंकर जी, हम लोगों को बताते हैं, अवेयर भी करते हैं कि बारिश का मौसम जो होता है वहां आपको विशेष सतर्कता की जरूरत है, आपको अपना ख्याल रखना है, साफ सफाई बनाए रखनी है ताकि आप ऐसी बीमारियों की चपेट में ना आए, लेकिन फिर भी मरीजों की संख्या हर साल बढ़ती है, क्या वजह है सर इसके पीछे? देखिए, हर मौसम का एक कुछ अच्छा पार्ट है और कुछ खराब पार्ट है। तो बरसात का समय हो, जब भीषण गर्मी से लोग निजात पाए हुए हैं, और बारिश का समय है और लोगों की आदतें अगर ठंड वाली ही रहेंगी, जैसे ठंडक के दिनों में अगर कुछ भी खा लेते हैं तो वो पच जाता है, लेकिन इस समय पाचन प्रक्रिया में थोड़ी सी कमी आती है। और जो लोग बाजार की चीजें खुले में जो बिक रही हैं चीजें बाजार में इस तरीके से, और पानी का जो संकट, पानी में जो गंदगी हो जाती है, लोग साफ सुथरा पानी नहीं पियेंगे, हाथ नहीं धुलेंगे, तो इस तरीके से जो हाइजीनिक कंडीशन में नहीं होगा, अनहाइजीन, तो इससे पेट खराब होना और ये सब सामान्य प्रक्रिया का पार्ट है। तो लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा और लोगों को और जागरूक होना पड़ेगा कि कम से कम इस तरीके से सफाई अभियान जो है, जो सबका अभियान एक है सफाई अभियान में, उसको जुट जाना चाहिए और इस तरीके से काम करें कि लोग बीमार ना पड़े, स्वास्थ्य की चिंता करें और सफाई व्यवस्था जरूर रखें। डॉक्टर अजय, लोगों को अवेयर करने की बहुत जरूरत है, हालांकि सरकार अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी चलाती है, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही करते हैं, या फिर ये माने उनके पास संसाधन ज्यादा नहीं है। जैसे कि पानी की बात करें, बारिश के वक्त जो पानी होते हैं, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पानी में पाया जाता है, तो पानी को बहुत लोग कहते हैं गर्म पानी पिए, क्योंकि स्वच्छ जल, साफ जल अभी बहुत से हम देखते हैं क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है, भले हम बड़े बड़े दावे करें कि स्वच्छ जल हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, देखिए, जागरूकता इसी तरीके से, इसके लिए बहुत बड़े संसाधन की आवश्यकता नहीं है। देखिए, केवल हाथ धुलना, जो हम लोग बार बार ट्रेनिंग देते हैं कि 6 स्टेप है हैंड वॉश के, हाथ धुलने के 6 स्टेप है, वो हर बार वो हाथ धुलें। नॉर्मली छोटे छोटे बच्चे जो है वो गंदगी में कभी धूल धक्कड़ में रहते हैं, कभी किसी चीज में रहते हैं, और वो आके तुरंत कुछ कुछ खा लेते हैं, तो इस तरीके का प्रैक्टिस कराया जाए कि जब भी कुछ खाएं वो तो हाथ जरूर धुल लें। अगर हाथ धुलने में तो कोई संसाधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, हाथ तो एक आदत है, अगर आदत है, और ये कोविड ने हमें सिखाया है पिछले 2 सालों में कि हाथ कैसे धुलना है, अगर हम इसको केवल हाथ धुलने का ही एक पार्ट रख लें तो ये डायरिया और इस तरीके से बहुत सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएगी। दूसरा रहा पानी की बात, पानी में भी कुछ नहीं करना है, केवल उसको उबाल लेना है, और क्लोरीन जैसे जल निगम में और हर जगह क्लोरिनेटेड वाटर होता है, तो उससे काफी कुछ समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो इस तरीके से अगर हम छोटी छोटी चीजों को करें, जल भराव ना होने दें, कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें, तो इस तरीके से चीजों को अगर हम करते जाएं तो निश्चित रूप से हम बेहतर तरीका है ये, और हम इससे स्वस्थ भी रह सकते हैं और इस तरीके छोटी मोटी बीमारियां नहीं होंगी। डॉक्टर अजय शंकर जी, डायरिया की अगर बात करें, अभी हमने देखा राजधानी में 2 लोगों की जान चली गई, इसके अलावा गर्मी शुरुआत होते ही इसके पेशेंट्स जो हैं बढ़ते जाते हैं, बारिश में भी ऐसा हम देखने को मिलता है। डायरिया को लेकर कहा जाता है डिहाइड्रेशन एक बड़ी वजह है, ज्यादा डिहाइड्रेट होती है अगर बॉडी तो आप डायरिया की चपेट में आ जाते हैं, या इसके अलावा भी और भी सिम्टम्स हैं डायरिया होने के? हाँ, देखिए, डायरिया मतलब लूज मोशन हो रहा, लैट्रिन बहुत ज्यादा होने लगी, प्रेगनेंसी जो है उसकी एक लैट्रिन पतली हो गई, उल्टी होने लगता है, पेट दर्द होता है, इस तरीके के सिम्टम लक्षण आते हैं। तो इसका उपाय यह है कि जैसे लूज मोशन हो रहा है तो सभी को ये पता होना चाहिए कि ORS जो होता है, और घर में शिकंजी का पानी, चीनी मिलाकर, नमक मिलाकर तैयार किया जा सकता है, ये बहुत छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। पानी जितनी बार लैट्रिन जाए उतना ही पानी पी लें, मतलब किसी भी सूरत में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे खतरा जो है ये 2-3 दिन में कभी कभी वायरल डिजीज से होता है, बैक्टीरियल होता है, तो अलग अलग तरीके से है, और जैसे ही हो तुरंत निकटतम चिकित्सकीय उसका सहारा लें, डॉक्टर को दिखाएं, और तो किसी अस्पताल में जाके, सरकारी अस्पताल में जाके, जैसे किसी भी अस्पताल में चले जाए, सब जगह सुविधाएं पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है, इसको ORS दें, ORS से ही काफी कुछ चीजें ठीक हो जाती हैं। अगर हम पानी की मात्रा बढ़ा दें, पानी पीना शुरू कर दें, ORS ले रहे हैं,
तो इससे कोई समस्या नहीं आती और एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उल्टी साथ में आ रही है, कोई चीज पच नहीं रहा है, पानी भी पीना नहीं पच रहा है, तो निश्चित रूप से तो एडमिशन ही कराना एक विकल्प बनाया जाता है कि एडमिट करा दें और वो ड्रिप वाइज और इंजेक्शन ये सब चलते रहेंगे, तो इससे इलाज में सुविधा होती है। डॉक्टर अजय शंकर जी, कभी कभी हम देखते हैं कि लोग घर पर उपाय करते हैं और थोड़ी सी देरी कर देते हैं और वो देरी जान पर आ बनती है, लोगों की जान तक चली जाती है। तो देरी करना ठीक है, घर पर जो उपाय हैं वो करना ठीक है, फिर सीधे हम डॉक्टर के पास पहुंच जाएं अगर आपको लगता है आपको डायरिया हो गया है? देखिए, निश्चित रूप से जितनी जल्दी अस्पताल पहुंच जाएं, अर्लीस्ट जो भी संभव, अब जैसे अगर रात में भी हो रहा है मतलब जितनी जल्दी अपने निकटतम सरकारी संस्थान में पहुंच जाएं, जो भी पीएससी सीएससी या जिला अस्पताल है, हमारा लोकबंधु अस्पताल है, जो भी है, तो जैसे ही पहुंच जाएं उस तरीके से कारगर होता है ये, और इसी को अपनाना चाहिए। अपने आप बहुत ज्यादा दवाएं नहीं देनी चाहिए घर पे, तो अस्पताल पहुंच जाए, डॉक्टर को दिखा लें कि डिहाइड्रेशन का क्या, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, किस ग्रेड की डिहाइड्रेशन हुआ है, किस ग्रेड का उसको फीवर है, तबीयत और उसमें पेट दर्द क्या है, मतलब पूरी एनालिसिस एक हो जाएगी, तो चिकित्सक के द्वारा इसको देख लेने के बाद से वो बताएंगे कि कितना क्या करना है, अब आने लगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शबी हैदर जुड़ गए लखनऊ से। शबी भाई, राजधानी की अगर बात करें, डायरिया से दो मौतें हो गई हैं और लगातार डायरिया के पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, राजधानी के लिए चिंता का विषय? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये जो सीजन है ये वाटर बाउंड डिसीजेस का सीजन माना जाता है, और यकीनी तौर पर अभी ये शुरुआत हो चुकी है। दो मौतें, अगर हम मौतों की बात करें और डायरिया से मौत की बात करें, तो ये एक अजीबोगरीब सा लगता है जब सरकार की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और डायरिया एक बहुत पुराना मर्ज है, बच्चे और बुज़ुर्गों को इसमें जो है वो ज़्यादा, वैसे तो सावधान सभी को रहने की ज़रूरत होती है, दो भी लक्षण प्रतीत हो फौरन दवाई शुरू करें, लेकिन अगर ये और व्यापक स्तर पर फैलता है, चूँकि लखनऊ जो है ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है इस सीज़न में, या पहली बार कोई इसका प्रकोप जो है वो बाहर सामने नहीं आ रहा है, इससे पहले भी अगर हम खदरे की बात करें तो खदरे में चाहे पिछले साल की बात करें या उससे पहले पिछले साल की बात करें, तो खदरा जो है वो एक हब के तौर के ऊपर था डायरिया के लिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की रोकथाम हुई, वहाँ पर जागरूक जो अवेयरनेस प्रोग्राम थे वो चलाए गए, जो टूटे नल की लाइनें थी उनको दुरुस्त किया गया, लोगों को बताया गया, और शायद यही कारण है कि अब खदरे जैसे जो पुराने लखनऊ के जो इलाके हैं वहाँ से इस तरीके की खबरें जो हैं वो अब थोड़ा सा कम आ रही हैं, ना के बराबर आ रही हैं, लेकिन ये एक ऐसा रोग है जो कहीं पर कभी भी किसी भी समय जो है पनप सकता है, तो ऐसे मौके पे जो है वो हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा सावधान रहने की उस विभाग को ज़रूरत है जिस विभाग के कंधों पर इससे निपटने की जिम्मेदारी डाली गई है। शबी भाई, एक सवाल ये है कि जो डायरिया है इसको लेकर कहा जाता है अगर आप साफ पानी का प्रयोग ना करें पीने में तो इसकी आशंका बहुत ज़्यादा रहती है, तो लखनऊ की अगर बात करें, राजधानी की बात करें, तो हम ये यकीन से कह सकते हैं लखनऊ का कोई भी इलाका जो है वहां साफ पानी पहुंच रहा है सभी इलाकों में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी एक जो जल शक्ति मंत्रालय का जो हर घर जल योजना के तहत जो काम किया जा रहा है, हालांकि उसके अभी व्यापक जो नतीजे हैं वो आना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं से उस दिशा में चाहे पाइप डालने की बात हो या नल लगाने की बात हो, जल निगम की तरफ से इस तरीके के बस्तियों में नल लगाए गए हैं, और मैं इस चीज़ का मैं गवाह हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे जिनको मैं जानता हूँ जिनके घर में योजना के तहत नल लगाए गए हैं और वहाँ से पानी आ रहा है। ये समस्या देखिए पुराने मोहल्लों में होती है जहाँ पर बहुत पुराने समय से जो है वो पाइपलाइन पड़ी हुई है, अक्सर वहाँ पर जो है वो पाइपलाइन और दूसरे सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में मिलती हैं और नलों में पानी जाता है, जागरूकता के चलते लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और बीमार पड़ते हैं। तो अभी डायरिया पर जिस तरीके से हमने पोलियो पर नियंत्रण पाया है, उसी तरीके से अगर हम कहें कि डायरिया पर हमने नियंत्रण पा लिया है, तो ये अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन सरकार की तरफ से इस दिशा में काम शुरू हो गया है, बस अब जिम्मेदार विभाग और जो लोग हैं उनकी बिल्कुल सही कह रहे हैं शबी भाई, और लखनऊ में ऐसे तमाम सारे एरिया हैं जहां घनी आबादी वाली बस्तियां हैं और वहां अक्सर हम देखते हैं बारिश के वक्त जो पाइपलाइंस हैं, सीवर की पाइपलाइंस हैं, वो साथ निकली हुई हैं, कभी कभी जो गंदा पानी होता है सीवर लाइन टूट जाती है उसका पानी पीने वाले पानी में पहुंच जाता है,
उस दिशा में अभी से काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो नगर निगम प्रशासन ने, ताकि पानी स्वच्छ लोगों को मिलता रहे, उसमें बाद में ये देखने को ना मिले ताकि लोग बीमार हो जाएं। शबी भाई, शबी भाई के पास हम आएंगे, आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ और भी लोग जुड़ गए हैं, अनिरुद्ध पांडे जुड़ गए कौशाम्बी से, इसके अलावा हमारे संवाददाता अबरार अली सीतापुर से हैं। अनिरुद्ध, अगर हम कौशाम्बी की बात करें तो वहां पर भी के डायरिया के केसेस देखे जा रहे हैं या फिर बाकी बीमारियां, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं? यहाँ भी अब तक डायरिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिला अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, जहाँ पे डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है, डॉक्टर अब तक दूषित पानी पीने को बचाव के लेके सचेत कर रहे हैं और डॉक्टरों द्वारा राय दिया जा रहा है कि उबला पानी पिया जाए, स्वच्छ पानी पिया जाए। जी ठीक है, अबरार हमारे साथ बने हुए हैं सीतापुर से। अबरार, सीतापुर में क्या व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें, जो मरीज हैं डायरिया के, बाकी चीजों के, क्या वहां भी डायरिया केसेस देख रहे हैं? अबरार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अबरार तक आवाज नहीं पहुंच रही, वापस कोशिश करेंगे अबरार से जुड़ने की। लगातार हमारे टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। इस वक्त जो है बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, डायरिया की अगर बात करें या फिर बाकी बीमारियों की, उसको लेकर कितना सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा जो तबादले हैं वो हो रहे हैं और तबादले होने के बाद टकराव देखने को मिल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इस दिशा में और बहुत काम करने की जरूरत है। शबी भाई के पास आएंगे। शबी भाई, हम देख रहे हैं अभी पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात करें, तबादले को लेकर टकराव देखने को मिला है, जो स्वास्थ्य जो सचिव हैं उनके दोनों के बीच, उसको कैसे देखते हैं? एक बड़ा मुद्दा है, ये एक बड़ा मुद्दा है और कह सकते हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए हैं। जैसे ही डिप्टी सीएम ने, ब्रजेश पाठक जी ने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी वायरल हुई, सवाल खड़े हुए तबादलों पर, और ऐसे मौके पर तबादले हुए हैं जिस वक्त बहुत सारे ऐसे रोग हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद जो है गोरखपुर से संचारी रोगों के ऊपर जो है रोकथाम के लिए फ्लैग ऑफ किया था, और ये वो मौसम है, चेंज हो रहा है, बरसात है, बहुत तेज गर्मी है, तो ऐसे में जो बहुत सारे और दूसरे मरज हैं वो फैलते हैं। इसमें जो है अब सरकारी, सबसे पहले जो जनता है, जो लोग हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हर आदमी जो है महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर के ऊपर तबादलों पर एक बड़ी रार छिड़ चुकी है। मैंने आज खुद सुबह डिप्टी सीएम, जो दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर सवाल को डक किया और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिन लोगों के ऊपर जिनको जवाब देना है, उन्होंने चिट्ठी का अभी तक जवाब नहीं दिया है, तो ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने आपने भी देखा होगा वो सारे विजुअल्स, कुछ दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के जितने भी शहर हैं वहां पर वो कभी लाइन में खुद लगे हैं, कभी देर रात पहुंचकर जो है वो सीधे ओटी में पहुंचे हैं, कभी उन्होंने दवाई की लाइन में लगकर जो है वो अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया है। तो कुल मिलाकर उन्होंने कोशिश की है जो सरकारी अस्पताल हैं वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर दबाव बनाने की, कि वो समय पर आए, इलाज करें, दवाइयां वितरित करें। क्योंकि देखिए, किसी भी सरकार की जो तीन जवाबदेहियां होती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था, इन सारे मोर्चों के ऊपर योगी सरकार को आगे बढ़ाने के लिए जो डिप्टी सीएम है, जो विभाग है उनके पास, उन्होंने काफी मुस्तैदी से उस चीज को आगे ले जाने की कोशिश की। लेकिन ऐसी स्थिति में जब अधिकारी रिटायर हो गया और उसका जो है वो तबादला हो गया, अधिकारी इस दुनिया में नहीं है और उसका जो है वो तबादला हो गया, इस तरीके की जब लिस्ट आती है सामने, तो यकीनी तौर के ऊपर पूरी व्यवस्था पर सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी भी नहीं है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुए हैं उनकी जानकारी भी उनको नहीं, जबकि जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसका असर ये पड़ेगा, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उनको बल मिलेगा कि डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री की सुनवाई नहीं है उनके मंत्रालय में। शबी भाई, बिल्कुल, देखिए
मैं बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि तबादला सीजन शुरू होने से पहले, तबादला एक रूटीन प्रक्रिया है और तबादलों के लिए बाकायदा नियम है कि उन नियमों के तहत जो लोग आएंगे उनके तबादले किए जाएंगे, हर किसी का तबादला नहीं हो सकता है। उस दिशा में शासन स्तर पर एक बैठक हुई थी और उस बैठक में खुद मुख्यमंत्री स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि ये नियम है, ये 2022 की तबादला नीति है, इस कैटेगरी के तहत इन नियमों के तहत जो है वो तबादले हो सकते हैं। लेकिन उसके बरक्स, उसके बावजूद, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, सभी जगह पर आंख मूंद कर तबादले किए गए हैं और जिसके चलते ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है और डायरिया जैसे रोग जो पनप रहे हैं और जिसपे फौरन जो है समय पर जो है मरीज का इलाज चाहिए, समय पर तुरंत, अगर थोड़ी सी भी देर होती है डायरिया जैसे मरीज में बीमारी में, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। अब अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो 11 ऐसे टीचर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं और उनको प्रिंसिपल बना दिया गया। अब अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो इसमें इस जो जो लिस्ट आई है इसमें तमाम सारी बड़ी चूकें हुई हैं। तो इसका सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे सिनेरियो का दोषी कौन है, किसकी जिम्मेदारी है कि इस इतने जिम्मेदार वाला, जिस वक्त जिम्मेदारी थी, जिस वक्त सेवा करनी थी, जिस वक्त लोगों के बीच में जाकर खड़े होना था, उस समय अव्यवस्था अगर बन रही है तो इसका जिम्मेवार कौन है और उसको क्या सजा मिलेगी? बिल्कुल, आप लोगों की चूक, आप लोगों का टकराव बाकी लोगों को परेशानी दे सकता है। जो लोग स्वास्थ्य के को लेकर सरकारी अस्पताल जाते हैं इस उम्मीद के साथ उनका बेहतर इलाज हो, क्या अब आने वाले वक्त में उसमें भी लापरवाही देखी जाएगी, देखने वाली बात होगी। हमारे साथ अबरार बने हैं सीतापुर से। अबरार, आपके पास आएंगे, सीतापुर की बात करें तो यहां स्थिति क्या है जो डायरिया है इन बीमारियों को लेकर, कि यहाँ पर भी डायरिया के पेशेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं? यहाँ पर निश्चित तौर पर जो जिला अस्पताल है वो काफी, यहाँ पर पहले से 18 डॉक्टरों की कमी थी, उसके बावजूद जो यहाँ से 5 ऐसे डॉक्टर थे जो सभी मरीजों को संभाल रहे थे उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है और जिस तरह से ये किए गए हैं, यहाँ पर 18 पहले से डॉक्टर कमी थी और उसके बाद 5 और तबादले कर दिए गए, तो डॉक्टरों की कमी से उनकी मार को गरीबों और जनता को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय डायरिया का प्रकोप गर्मी इतनी ज्यादा अधिक है कि डायरिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तो मरीजों को, जो छोटे बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है, एक एक बेड पर दो दो बच्चों को लिटाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अन्य जो वार्ड है वहां पर भी एक एक बेड पर दो दो लोगों को लिटाया गया है, क्योंकि डायरिया के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और वहाँ ऊपर से यहाँ पर जो 5 डॉक्टरों के तबादले हो गए और कल पहले से यहाँ पर 18 जो डॉक्टर थे उनकी कमी थी, तो कहीं ना कहीं जो ये मामला था वो तबादले के तहत यहाँ पर गरीबों को ये झेलना पड़ा। एक कॉलर जुड़ गए हैं, जगदीश हैं कानपुर देहात से। जगदीश, अपनी बात कहिए। सर, कानपुर देहात में दो हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल और सीनियर सामुदायिक, यहाँ में जो है डायरिया वालों की लाइन लगी है। लेकिन सर जी, ये सरकारी सिस्टम है हर विभाग का जी, सरकारी सिस्टम है सर जी, इसमें कभी सुधार नहीं हो सकता है। शुक्रिया आपका, आपकी राय देने के लिए। हम डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी के पास आएंगे, उससे पहले विनय मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं प्रयागराज से। विनय, अगर प्रयागराज की बात करें, वहां पर क्या माहौल है, जो बीमारी लगातार बढ़ती जा रही डायरिया की उसको लेकर, और जो स्वास्थ्य विभाग है, जो सरकारी अस्पताल है, वहां क्या प्रॉपर लोगों को इलाज मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही है? जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे प्रयागराज में जिला अस्पताल स्वरूप रानी अस्पताल है, यहाँ पे जो है मरीजों को जो है सलाह भी दी जा रही है, डॉक्टरों द्वारा एडवाइस किया जा रहा है कि जहाँ पे गड्ढे हो, पानी इकट्ठा हो रहा है और पानी इकट्ठा न होने पाए, टायरों में जो पानी इकट्ठा हो रहा है, मच्छर बैठने न पाए, इस जागरूकता के माध्यम लोगों को जिला प्रशासन माध्यम जागरूक किया जा रहा है लोगों को, और जो भी मरीज अस्पतालों पहुंच रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है हॉस्पिटलों में। लेकिन कुछ मरीज वहीं पे जो असुविधा का शिकार भी हो रहे हैं, जिन्होंने जो है बताया कि यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टरों की कुछ लापरवाही है, जहाँ की समय समय पर उनको दवाइयाँ मुहैया नहीं कराई जाती, बाहर पर्चा लिख के दवाइयाँ मंगाई जाती है, प्राइवेट की सरकारी में दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है जी। ठीक है डॉक्टर अजय शंकर जी, हम देखते हैं डायरिया में ज्यादातर जो बच्चे हैं वो प्रभावित होते हैं, और बच्चे जो हैं ठीक से बता भी नहीं पाते अपने पेरेंट्स को कि वो बीमार हैं, तो इस वक्त पेरेंट्स की भूमिका काफी अहम हो जाती है कि अपने बच्चों को केयर करें, ध्यान रखें, अगर बच्चे बीमार हैं तो उनका प्रॉपर इलाज करें, कुछ घरेलू उपचार करें और समय रहते हॉस्पिटल पहुंचे। देखिए, निश्चित रूप से बच्चे इसलिए प्रभावित होते हैं कि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम वो थोड़ा कमजोर होता है बड़ों की अपेक्षा, और ग्रामीण परिवेश में थोड़ी गंदगी ज्यादा रहती है,
धूल धूल में वो लोग बच्चे खेलते रहते हैं, हम लोग खुद भी गांव में रहे हैं, धूल में खेले हैं, तो उससे इंफेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो बैक्टीरिया है वायरस है इसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो निश्चित रूप से अभिभावकों का ये कर्तव्य हो जाता है कि साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दें। बच्चे जब भी खेले वो बच्चे हैं, खेलना चाहिए, लेकिन जब खेल के घर आ रहे हैं तो उनका हाथ पैर अच्छे से धुलवा दें, गंदगी जो है वो घर में न ले आवे, हाथ पैर धुला रहे, और कुछ भी खाने के पहले हाथ जरूर धुलवा दें, नाखून साफ रखें, नाखून के इसमें गंदगी जो है फंसी रहती है, तो इसकी वजह से ये इंफेक्शन पेट में चला जाता है। कीड़े होना, जैसे पेट में कीड़े होना है, वर्निंग करना चाहिए समय समय पे, तो ये सब चीजें लगातार होती रहती है, और इलाज में कोताही एकदम न करें। जैसे ही शुरू हो, नॉर्मली गांव में क्या होता है कि 2-4-6 दिन तक हफ्ते भर तक बच्चे घर में लूज मोशन ओमटिंग होती रहती है और वो पड़े रहते हैं, उनको जैसे ही सिम्टम शुरू हो जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचे और उनको इलाज शुरू करा दें, तो डायरिया का जो बीमारी है वो भी बढ़ती है, तो पानी हमको ज्यादा पीना चाहिए, अगर प्यास ना भी लगे तो भी हम पानी पिए ताकि पानी कमी ना हो। निश्चित रूप से जो पानी का एक औसतन है 3-4 लीटर 5 लीटर तक पानी पीना ही है, पानी को उबाल के एक साथ रख लें कहीं और उसको थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहे बच्चों के लिए, और जिसको लूज मोशन होने लगा है उसको पानी की संख्या ओआरएस में मिला के, जो शक्कर और नींबू का पानी, नमक, इस तरीके का नींबू पानी का घोल जो होता है वो मिला के घर में तैयार रखें और वो थोड़ा थोड़ा करके पीते रहे। जितनी बार भी लूज मोशन में लैट्रिन जा रहे हो उतनी बार उनको कम से कम पानी तो पीना ही चाहिए। ओआरएस का घोल जरूर इस्तेमाल करें अगर आपको लग रहा है आपको लूज मोशन हो रहे हैं, डायरिया के सिम्टम्स जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताए। समय कम है, आखिरी सवाल अनिरुद्ध से ले लेंगे, कौशाम्बी से अनिरुद्ध बने हुए। अनिरुद्ध, कौशाम्बी की अगर बात करें वहां पर भी क्या डायरिया के केसेस बढ़ गए हैं या फिर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है सरकारी अस्पताल वहां पर ठीक से सब कुछ हो रहा है, लोगों को इलाज मिल रहा है? जी बता दूं कि कौशाम्बी में डायरिया के मरीज आ रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, जहाँ पे डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है पर डॉक्टर सीएससी और पीएससी में, जो जिले के सीएससी और पीएससी है वहाँ डॉक्टर नहीं मौजूद मिलते हैं, वहाँ पे डॉक्टरों द्वारा न मिलने पर परेशान रहते हैं तीमरदार। जहाँ पे रियलिटी चेक भी किया गया, के न्यूज इंडिया टीवी की टीम पहुंची थी, वहाँ पे फर्श पे मरीज पड़े हुए थे, वहाँ डॉक्टर नहीं थे। जी ठीक है शबी भाई, समय कम है, आखिरी सवाल आपसे। राजधानी में की अगर बात करें, राजधानी से भी कभी कभी हैरान करने वाली तस्वीरें आती है, केजीएमयू की बात करें या फिर दूसरे अस्पताल की बात करें, कई हम खबरें देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री लगातार दौरे भी कर रहे हैं, औक्षण निरीक्षण भी कर रहे हैं, अब जो टकराव हुआ है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, क्या इसका असर सरकारी अस्पतालों में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए जैसा अभी अवरार ने सीतापुर से बताया, अनिरुद्ध ने कौशाम्बी से बनाया, आप जिस ज़िले की इस समय आप बात करेंगे तो वहाँ पे इस तरीके की शॉर्टेज पहले से ही अस्पतालों में डॉक्टरों की, पैरामेडिकल फोर्स की जो है वो शॉर्टेज है। ऐसे में इस सीज़न में डॉक्टर्स का थोक में तबादला कहीं से भी प्रासंगिक नहीं लग रहा है, और प्रासंगिक इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि जब विभाग के मुखिया को ही पूरे तबादले की प्रक्रिया और किन लोगों का तबादला हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है, उसकी जानकारी नहीं है, तो ये एक बड़ा सवाल है। और यकीनी तौर के ऊपर सबसे पहले इसकी जवाबदेही तय हो, जो भी गलतियां हुई हो, समय ये नहीं है कि साहब उन्होंने चिट्ठी लिखी फिर उसका जवाब जो है चिट्ठी से दिया जाए। अगर विभाग के अधिकारियों से कोई गलती हुई है इस संदर्भ में तो उस गलती को तत्काल सुधारें। उत्तर प्रदेश की 27 बिल्कुल जो गलती है उसमें सुधार करें ताकि उसका खामियाजा आम लोगों को ना भुगतना पड़े, मरीजों को ना भुगतना पड़े। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए, डायरिया से बचाव रखिए, पानी नियमित पीते रहिए, और जो भी जानकारी बताई हमारे डॉक्टर साहब ने वो ज़रूर अपनाएं। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। डॉक्टर अजय शंकर हमारे साथ जुड़े थे, सर आपका भी शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।